अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर तरह के वसाइल मौजूद हैं, दरिया, ऊँचे तरीन पहाड़, सहरा, ज़रई ज़मीन, हर तरह के मौसम, मेहनती बहादुर लोग, दुनिया की छठी बड़ी आबादी जिसमें सबसे बड़ी तादाद यूथ की है। लेकिन फिर भी हम दुनिया में इतने पीछे क्यों हैं? एक वो दौर भी था जब दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन था, फिर हालात बिगड़ने लगे। दरअसल हम करोड़ों लोगों का फैसला मिलकर चंद लोग करते रहे, लेकिन हम चुप रहे। आज इलेक्शन डे है, आज वोट डालें तो पाकिस्तान को डालें, उसको वोट दें जो हमारी बिगड़ती मौशियत को ठीक करे। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसको वोट दें जो एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी शुरू कर सके, जो इस मुल्क के इदारों को ठीक कर सके, जिसकी तवज्जो सेहत, तैलीम, पीने की साफ पानी पर हो। आज भी सरकारी स्कूलों में तैलीम और सहूलतें हम सब के सामने हैं, सरकारी अस्पतालों में क्या हालत है, कोई पैसे वाला किसी प्राइवेट क्लिनिक को तरजीह देता है लेकिन गरीब को कोई सहूलत नहीं। अस्पतालों में 70 साल के बाद हमारी ये हालत क्यों है? क्या हम ऐसे ही रहेंगे या कुछ बदलेंगे? दुनिया आगे से आगे जा रही है और हम आज भी साफ पानी को तरस रहे हैं। अब हमने इस रुझान को बदलना है और इंशाल्लाह बदलेंगे भी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वोट डालते हुए ये मत सोचें कि आपके वालदेन, बड़े, रिश्तेदार, दोस्त कहाँ वोट डाल रहे हैं, या फिर उम्मीदवार आपकी बिरादरी का है भी कि नहीं। ये सोचना कि वोट डालते हुए आपको कोई और नहीं लेकिन अल्लाह ताला ज़रूर देख रहा है। जिसको भी वोट डालें, अपना नहीं पाकिस्तान का सोचकर वोट डालें। हम दुआ करते हैं कि ये इलेक्शन पूरा अमन, साफ, शफाफ और एक बेहतरीन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छे साबित हों। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। निकलो पाकिस्तान की खातर, अज़्म आलीशान की खातर।